साधु हृदय प्रभु ने रिपोर्ट बनाई है आपके इस मंदिर के विषय में, हर साल बनाते हैं रिपोर्ट, हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। पहले सुनाएं बाद में सुनाएं? बाद में। मुझे गाजियाबाद भी जाना है दोपहर के लेक्चर के लिए। क्लास थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आपको रिपोर्ट भी सुनाना है। जय राधा कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जान वाला भोपी जान वाला बिहारी, जय राधा बिहारी, तो दानंद ब्रज जन रंजन, सोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा मन चारी, गोपी जान वाला भाई, गोपी जान वाला भाई, सोदानंदन ब्रज जन रंजन,
Shripad Ramahansa Prayuk Jagacharya Satara Satara Sri Srimad Yajavayan Gaishala Abhay Chandra Bhakti Danda Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki Jai Om Shripad Yajavayan Gaishala Bhakti Siddhanta Sri Sri Gornitai Ki Sri Sri Radha Parthasati Dalita Vishaka Ki Nam Lakshmana Hanuman Ki Marathon Ki All glory to the Samadhuri. All glory to the Samadhuri. All glory to the Samadhuri. All glory to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Sabko sunai de raha hai? Piche bhi? Bhagavatam ka har shlok bada divya hai. To aaj hum aapko Bhagavad Gita, Bhagavatam ke 34 skand ke 21st kai ka 33 श्लोक पढ़कर सुनाएंगे इस श्लोक और तात्पर्य में बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है वैसे तो हर श्लोक में महत्वपूर्ण संदेश है पर कई श्लोकों में बड़ी गहराई के साथ इन विषयों की चर्चा की गई है ये श्लोक बोर्ड में लिखा हुआ है ताम एवं Yuyam Bhajatatma Vritibhe Mano Vacha Hungry Adhikara Adhikara
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनोवाचा कया गुणे सकर्मभिः अमायिना कामादगन्धि पुण्पङ्कजम् यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धया अहमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिः मनो वाचा कया गुणे सकर्मभिः मायिना कामादगन्धि पङ्कजम् यथाधिकारा वसितार्थ सिद्धया हरे कृष्ण। और कोई माता जी लोग दिख रहा नहीं है क्लियर नहीं शायद हाँ तम उसको एव निश्चय ही योयम तुम समस्त नागरिक भजत पूजा करो आत्म अपना वृत्ति भी वृत्ति परक कार्य द्वारा मनः मन वचः वाणी काय शरीर गुण है विशिष्ट गुणों द्वारा स्वकर्म भी ही अपने अपने कर्मों से अमायिनः बिना हिचक काम दुख समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले अंग्रि पंकजम चरण कमल की यथा जिस प्रकार अधिकार सामर्थ्य अवसित अर्थ अपने हित के विषय में पूरी तरह आश्वस्त सिद्ध यह तुष्टि अनुवाद मेरे पीछे बोलिए पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो, तब निश्चय ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य
प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की, जैसा कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वकर्मणात्म अभ्यर्चे, मनुष्य को अपने वृत्ति परक कार्यों द्वारा भगवान की पूजा करनी होती है। इसमें चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ता है। अतः पृथु महाराज कहते हैं, गुणे स्वकर्म भी, इस पदांश की व्याख्या भगवद गीता में इस प्रकार प्राप्त है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। भगवान द्वारा प्राकृतिक गुणों तथा उन गुणों के अंतर्गत विशिष्ट कर्तव्यों के अनुसार चारों जातियाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र बनाई गईं। जो व्यक्ति सत्वगुणी होता है वह निश्चित रूप से अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होता है। अतः वह ब्राह्मण के कार्य सत्य बोलना, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वच्छता, सहिष्णुता, आत्मज्ञान तथा भक्ति का ज्ञान कर सकता है। इस प्रकार यदि वह सच्चे ब्राह्मण की भांति भगवान की सेवा करता है तो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रियों के कर्तव्य हैं नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना, दान देना, राजकाज में वैदिक व्यवस्था का पालन तथा यदि शत्रु आक्रमण कर दे तो निर्भीक होकर लड़ना। इस प्रकार एक क्षत्रिय अपने वृत्तिपरक कार्यों से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इसी तरह वैश्य अपने वृत्तिपरक कर्मों को करता हुआ अन्न उपजाकर, गौओं की सुरक्षा करके तथा अधिक कृषि उत्पादन होने पर आवश्यक व्यापार द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है। चूंकि शूद्रों की अधिक बुद्धि नहीं होती, अतः उन्हें सामाजिक जीवन के उच्चतर स्तरों की सेवा करने में श्रमिक की भांति लगे रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य भगवान को अपने मन वचन कर्म से प्रसन्न करना होना चाहिए। जिस प्रकार शरीर के चार विभाग हैं, सिर, हाथ, पेट तथा पांव, उसी प्रकार मानव समाज भी मनुष्यों के भौतिक गुणों तथा वृत्तिपरक कर्मों के अनुसार चार श्रेणियों में बटा हुआ है। इस तरह ब्राह्मणों को सिर का, क्षत्रियों को भुजाओं का, वैश्यों को पेट का तथा शूद्रों को पैरों का कार्य करना पड़ता है। जीवन के निर्दिष्ट कर्मों को करते समय ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, हाँ इनमें उच्चतर तथा निम्नतर जैसे विभाग होते हैं, किंतु भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र लक्ष्य होने से उनमें कोई अंतर नहीं होता। यहाँ ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि जब ब्रह्मा, शिव तथा अन्य बड़े बड़े देवता भगवान की पूजा करते हैं ऐसा माना जाता है, तो फिर इस लोक का सामान्य व्यक्ति उनकी सेवा किस प्रकार कर सकता है? इसकी स्पष्ट व्याख्या पृथु महाराज ने यथाधिकार शब्द के प्रयोग द्वारा की है, जिसका अर्थ है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि कोई निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य पूरा करे तो वही पर्याप्त होगा। उसे ना तो ब्रह्मा बनने की आवश्यकता है, ना शिव, इंद्र, चैतन्य या रामानुजाचार्य, जिनके सामर्थ्य हम सबों से निश्चय ही बहुत अधिक है। यहाँ तक कि भौतिक गुणों के अनुसार जीवन के सबसे नीचे स्तर पर स्थित शूद्र भी वही सफलता प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है यदि उसमें दुविधा ना रहे। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य को स्पष्ट वक्ता तथा खुले दिमाग वाला अमाइना होना चाहिए। भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के निम्न स्तर पर स्थित होना कोई अयोग्यता नहीं है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है कि वह निष्कपट हो तथा उसमें हिचक ना हो। फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, तब वह गुरु के निर्देशन में अपना वृत्तिपरक कर्म करता हुआ जीवन की उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवद्गीता 9:32 में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है, स्त्रियों वैश्यास्त तथा शूद्रास्ते भी यान्ति पराम गतिम। चाहे कोई ब्राह्मण हो या कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा निचले दर्जे की स्त्री, इससे कोई अंतर नहीं आता। यदि कोई शरीर, मन तथा बुद्धि से गंभीरतापूर्वक भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वह अवश्य ही भगवान के धाम वापस जाता है। भगवान के चरण कमलों को काम दुघांघ्री पंकजम कहा गया है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। एक भक्त अपने इसी जीवन में सुखी रहता है, क्योंकि संसार में हमारी तो अनेक आवश्यकताएं हैं, किंतु भक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी हुई रहती हैं और अंत में जब वह शरीर त्यागता है तो वह बिना किसी संदेह के भगवान के धाम को वापस जाता है। हरे कृष्णा। पापा जी कह रहे हैं बिना शंका के कहाँ जाता है। हम ऐसे कितने भक्तों की इच्छा है भगवान के धाम लौटने के लिए।
सबकी। हरे कृष्ण ओम ज्ञानंदनाशुर्मीतास्मा श्रीचेतनिया मनोवैस्ताम स्थाता भूतले स्वयं रूप कदाम वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सर्वलतां सहगना रघुनाथान्वितं तं सदेवं साद्वैतं सवधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानु सूति देवी प्रणमामि हरे ते वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवाशदे गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण यूयम भजतात्मृतिवीर मनोवाचकया गुणेश कर्मभिना काम दुगंधि पंकज यथाधिकारावती। बड़ा सुंदर श्लोक है ना, बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। इस श्लोक का उच्चारण कौन कर रहे हैं? महाराज पृथ्वी महाराज इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं और पृथ्वी महाराज अपनी प्रजा को शिक्षा दे रहे हैं। इसे हमें क्या संदेश मिलता है? इसे हमें ये संदेश मिलता है कि राजा का कर्तव्य बनता है कि वो प्रजा को आध्यात्मिक शिक्षा दे। ये अध्याय में पृथु महाराज कह चुके हैं कि जो राजा या नेता केवल लोगों से कर और उपकर लेता वसूल करता है उससे और आध्यात्मिक संदेश नहीं देता, उसे प्रजा के सारे पापों का परिणाम भुगतना पड़ता है। श्रीमद्भागवतम के 5वें स्कंध में नरकों का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे कि भौतिक समाज में अलग अलग प्रकार का अलग 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 अपराध का अलग अलग परिणाम या सजा भुगतने पड़ती है, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के अपराधों का अलग अलग परिणाम है। तो जो व्यक्ति चापलूसी करके या किसी न किसी तरीके से नेता बन जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राजा, और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं, उन्हें मृत्यु के पास नरक में पहुंचना पड़ता है, ताकि उन्हें पीसा जाता है जैसे गन्ने को मशीन में डालते हैं रस निकालने के लिए। श्रीमद्भागवतम में हर विषय का बड़ा गहराई के साथ ज्ञान है। तो पृथु महाराज भगवान के शक्तवेश अवतार हैं। इनके पिता थे महाराज वेना और वो थे नास्तिक भाव के। उन्होंने समाज में लगभग हर प्रकार के यज्ञ रुकवा दिया था, जिसके कारण समाज में अनेक प्रकार के कष्ट थे। जो आवश्यकताएं थी सब समाप्त हो गई और फिर ब्राह्मणों की इच्छा थी कि धार्मिक राजा हो और भगवान प्रकट हुए पृथ्वीराज के रूप में। भगवान के अवतारों के अनेक विभाग हैं, जैसे गुना अवतार, लीला अवतार, मन्वंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, युग अवतार। तो भगवान के अवतार हैं और यहाँ पृथु महाराज
बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं अपनी प्रजा को। ये जो संदेश है हम सब के लिए है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये संदेश केवल पृथ्वीराज की प्रजा के लिए था, हमारे लिए नहीं है। ये प्रजा है, ये संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। और पृथ्वीराज के शासन के समय पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी, क्योंकि पूरी प्रजा चिंतन था भगवान की सेवा। यहाँ पृथ्वीराज क्या कह रहे हैं, प्रजा को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं अपने मन वाणी शरीर और अपने कार्य द्वारा क्या करो, भगवान की सेवा करो। दूसरे शब्दों में पृथ्वीराज ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें मन बुद्धि इंद्रिय का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में चार वर्णों का की चर्चा करते हैं। प्रभुपाद ने गीता के चौथे अध्याय के श्लोक का उपयोग किया है और कहा है, यहाँ की भगवान कहते हैं चतुर्वर्णमया सिस्टम गुणा कर्मा विभाग सहा। समाज की सफलता के लिए, समाज के सुख के लिए, समाज का विभाजन होना चाहिए चार वर्ण और चार आश्रमों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका होना बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन करते हैं, क्षत्रिय के वैश्य के और शूद्र के। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ, क्षत्रियों की तुलना की जाती है किसके साथ, बाहों के साथ, वैश्यों की तुलना की जाती है पेट और शूद्रों की तुलना की जाती है पैरों के साथ। ब्राह्मणों के क्या गुण होने चाहिए, समो दमो तपो सोचम शांति राजम एवं ज्ञानम ज्ञानम अस्तक्यम ब्रह्म कर्म समाक जम। ये नहीं कि हम यही दावा करें ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के गुणों को प्रस्तुत नहीं करें। तो ब्राह्मणों में गुण होने चाहिए समो दमो तपो सोचम, मन पर स्वयं वश, इंद्रियों पर वश, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण का आचरण शास्त्र पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि हमने दो पैसे का जिनू पहन दिया और हम ये दावा करें ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का क्या कर्तव्य बनता है, क्षत्रियों का कर्तव्य बनता है समाज की सुरक्षा, आवश्यकता हो तो युद्ध में भी लड़ना, दान देना, शासन करना। वैश्य की क्या सेवा बनती है, ऋषि, खेती, गायों की सुरक्षा, व्यापार। तो ब्राह्मणों की तुलना की जाती है और क्षत्रियों की तुलना की जाती है बाहों के साथ, वैश्यों की तुलना की जाती है पेट के साथ, शूद्रों की तुलना की जाती है पैरों के साथ। तो अगर हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो ये आवश्यक है चाहे आप ब्राह्मण हो या शूद्र, आप अपने कार्य के द्वारा भगवान की सेवा करो। कोई व्यक्ति हनुमान समान सेवा कर सकता है, कोई गिलहरी जैसे सेवा कर सकता है, पर अवश्य ये है कि हम अपने कार्यों के द्वारा भगवान की सेवा करें। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 18वें अध्याय गीता के प्रसिद्ध श्लोक का वर्णन किया है, जिसमें भगवान कहते हैं अपने कार्यों के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान की प्रशंसा, भगवान की सेवा। वो है भक्ति योग। भक्ति योग का ये अर्थ नहीं कि आप कुछ भी नहीं करो, भक्ति योग का ये अर्थ है कि आप अपनी योग्यता, कला, जो भी गुण है उसका उपयोग करो, किस लिए, भगवान की सेवा में। तो पृथ्वीराज क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अपने मन, मन को किसी न किसी रूप से हमें वश में लाना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में बार बार इस विषय पर बल दिया जाता है। भगवद गीता के 6वें अध्याय का विषय है ध्यान योग, और भगवान क्या कहते हैं, मन को क्या करना चाहिए,
बंधु बनाना चाहे शत्रु ने, मन जो वश में आ जाए वो है बंधु। और 18वें अध्याय में मन के विषय में भगवान क्या कहते हैं, मन मन भाव मद भक्तो मध्या जी मन नमस्कार महामय भाषी सत्यम ते प्रतिजन प्रियोश में, मन द्वारा मेरा चिंतन करो मेरा भक्त बनो। अगर आप मन को वश में रख लोगे तो आध्यात्मिक जीवन ज़्यादा सरल हो जाता है। तो मन द्वारा क्या क्या कर सकते हैं हम। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें सूचना दी थी कि आप जब दक्षिण भारत की यात्रा करोगे तो वहाँ आप एक बड़े प्रसिद्ध भक्त से मिलोगे जिनका नाम था रामनंद रॉय। तो चैतन्य महाप्रभु और रामनंद रॉय का वार्तालाप हुआ गोदावरी नदी के तट पर, और मेरे ख्याल से उसी स्थान पर इस्कॉन का भी एक बड़ा सुंदर मंदिर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामनंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे जिनमें एक प्रश्न ये था कि हमें मन द्वारा किस विषय का चिंतन करना चाहिए। आप कहो पूछोगे या कहोगे इतने महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, रामनंद रॉय तो भक्त थे, उनसे भगवान ने प्रश्न पूछा। भगवान का यह प्रयास रहता है भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए, और भक्तों की क्या इच्छा रहती है कि भगवान की महिमा को बढ़ाया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अनेक प्रश्न पूछे, एक पूछा था क्या है असली शिक्षा, और रामनंद रॉय ने कहा असली शिक्षा वो है जिसके द्वारा आप समझते हो कि जीवन का लक्ष्य। तो एक प्रश्न ये था हमें किस विषय का चिंतन करना चाहिए। रामनंद रॉय ने कहा भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के रूपों का। आप भगवान के नामों का चिंतन करो, भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। नाम न करी भगवान सर्वशक्ति, इन नामों में भगवान में अंतर है। भौतिकवादी व्यक्ति समझ नहीं पाते कि कैसे संभव है एक व्यक्ति एक ही नाम का उच्चारण दिन रात करे, और कई बार खास करके पश्चिम देशों में क्या कहते हैं, दे आर ब्रेन वॉश्ड, इनका दिमाग जो है कि बिल्कुल बुद्धू बन गया है, जादू कर दिया इनके गुरु ने। तो वो समझ नहीं पाते कि यह संभव है क्योंकि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। कली काली नाम रूप कृष्ण बता। तो हमें सोचते रहना चाहिए हरि नाम की महिमा, और हमारा क्या सौभाग्य है कि हमें यह हरि नाम प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी गए थे पश्चिम देशों में केवल 40 रुपये के साथ, पर अपने साथ क्या ले गए थे, ये हरि नाम। और अगर आज सारे विश्व में लोग जुड़ रहे हैं कृष्ण भक्ति में, वो जुड़ रहे हैं किस माध्यम से, यह हरि नाम के माध्यम से। तो हरि नाम की जो शक्ति है वो आप अनुभव कर सकते हो केवल हरि नाम लेने के साथ। अगर दूर से देखोगे तो समझ नहीं आएगा। पापा जी कहते थे अगर आप ये देखना चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो कि ये बॉटल में शहद है, तो आपको चखना पड़ेगा। तो हरि नाम की महिमा के विषय में सुनो, फिर भगवान के स्वरूप का, भगवान अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। इस आचार्य विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं, और भगवान के अनेक, भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। भगवान के आचार्य विग्रह का स्मरण करो। और आजकल इंटरनेट की कृपा से, इंटरनेट में दोष भी हैं और गुण भी हैं। दोष है कि आप चाहो तो गंदी चीज़ों को भी देख सकते हो, और गुण ही है कि आप चाहो तो भगवान की मूर्तियों का दर्शन भी प्राप्त कर सकते हो। आप 15 मिनट के दौरान इस्कॉन के 15-20 मंदिरों के आचार्य विग्रह का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। भगवान के आचार्य विग्रह का दर्शन, फिर भगवान के संदेश का स्मरण। भागवत में आप पढ़ते हो कि जब भगवान प्रकट हो गए थे तो उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे। फिर अर्जुन ने भगवान के गीता का संदेश का स्मरण आरंभ किया,
और जैसे ही वो स्मरण आरंभ किया उन्हें क्या लगा कि भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित हैं, वहाँ उनके साथ, जो शोक क्लेश था समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद जी इस विषय में कहते हैं कि उसी प्रकार हम भक्तों को भी गीता के श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। तो अनेक साधन, फिर भगवान की अनेक लीलाएं हैं, उनके भक्तों की लीलाएं हैं। आप प्रभुपाद लीला अमृता में पढ़ते हो किस प्रकार प्रभुपाद जी ने इतना लंबा संघर्ष किया, किस लिए, केवल इस कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए। पहली मुलाकात में ही 1921 में भक्ति सिद्धांत जी ने आदेश दिया था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देश में, क्योंकि महाप्रभु की भविष्यवाणी क्या थी, इति विद्या आचे ज्यादा नगर अधिग्राम शोध प्रचार हो पे मोहना, विश्व में जितने नगर गांव हैं सब जगह ये है ना। तो किसी न किसी रूप से मन को वश में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया तो इंद्रियों पर इंद्रिय विजय प्राप्त करना ज़्यादा सरल हो जाएगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अंते नारायण स्मृति, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का क्या प्राप्त होगा, देह प्राप्त होगा। मृत्यु के समय आप सोच रहे हो भगवान ने उनकी लीलाओं का, भगवान के धाम जाओगे, और मृत्यु के समय आप भौतिक विषयों का सोच रहे हो तो उसी विचार के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो मन द्वारा भगवान का चिंतन करो, और भगवान की इतनी लीलाएं हैं, लीलाओं का स्मरण करो, शास्त्र जो पढ़ते हो उसका स्मरण करो। तो पितु महाराज ने सबसे पहले क्या कहा, मन को भगवान की सेवा में लगाओ, और मन को भगवान की सेवा में लगाओगे तो आध्यात्मिक जीवन सरल हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं अपनी वाणी, वाणी को क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जीव की एक तपस्या यह है कि आप सत्य का उच्चारण करो। आज भौतिक समाज में हमें आदत है झूठ बोलने की और भगवान कहते हैं क्या जीव द्वारा क्या करो, सत्य का उच्चारण करो। जीव द्वारा भगवान के गुणगान, भगवान का गुणगान करो। आप दसवें स्कंद में नल कुंवर और मणिग्रीवा की कथा पढ़ते हो, जो किसके पुत्र थे, कुबेर। खैर धनी पिता के पुत्र होने के कारण पूरी संगत में भी गिर गए थे, और जब महान संत नारद मुनि वहाँ आए तो अपने नंगे शरीर को ढकना भूल गए, जिसके कारण उन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया। पर संत के श्राप कृपा के समान होती है। तो क्या श्राप था कि आप वृक्ष हो जाओगे, पर कहाँ, नंद महाराज के आंगन में। और 100 सालों के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। 100 देवताओं के वर्ष, हमारे पृथ्वी के 6 महीने उनके 12 घंटे बराबर होते हैं। तो जब मनुग्रह नंद कुमार ने भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त किया तो उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आभार प्रकट किया, किसका, नारद मुनि का, उनकी कृपा से ये संभव हो रहा है। जिसके पश्चात उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्तुति का उच्चारण किया। श्रीमद् भागवत में अनेक सुंदर श्लोक हैं जिनमें परम भगवान का गुणगान किया जाता है, और उन्होंने कहा कि अब से हमारी वाणी द्वारा सदा हम आपका ही गुणगान करें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब जीव को वश में लाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं जीव पेट जेनिटल ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन में है, सीधी लाइन में।
अगर आप जीभ को कंट्रोल में रखोगे तो दूसरी इंद्रियों को वश में करना ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो जीभ द्वारा हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण और कृष्णा प्रसाद खाओ। तो कृष्णा प्रसाद खाओ। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? जो मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है? तो खाओ तो क्या खाओ? कृष्ण आप सब कृष्णा प्रसाद ही खा रहे हो। ओके तो जीव द्वारा दो कार्य हैं, भगवान का गुणगान और कृष्णा प्रसाद। रूप गोस्वामी ने हमें अनेक ग्रंथ दिए हैं, जिनमें एक छोटा ग्रंथ है श्री उपदेश में, जिसमें रूप गोस्वामी हमें शिक्षा देते हैं कि भक्ति के लिए क्या कार्य अनुकूल हैं क्या प्रतिकूल हैं। प्रतिकूल के विषय में कहते हैं अत्याहारा प्रयाश प्रजल्प नियम। जीव द्वारा अगर आप प्रजल्प करोगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, और जीव द्वारा अगर आप कृष्णा कथा करोगे तो भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ प्रीतु महाराज अपनी प्रजा से कह रहे हैं मन द्वारा भगवान की सेवा करो, जीव द्वारा भगवान की सेवा करो। तो जीव की तपस्या के विषय में भगवद गीता में कहा गया है जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो। जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो पर मिठास के साथ। दूसरे शब्दों में जीव से मीठे शब्द मिठास से चर्चा करो, और जीव द्वारा वैसी चर्चा करो जिसके द्वारा समाज को सुख मिले, बेनिफिशियल। जीव द्वारा वैसी चर्चा करो जिससे समाज को सुख मिले, जिसका अर्थ क्या है? जीव द्वारा कृष्णा कथा ही करो, और जीव द्वारा सदा भगवान के नामों का उच्चारण करो। तो इस प्रकार भक्ति में आप आगे बढ़ सकोगे। यहाँ आज कह रहे हैं मन वाणी और देह के द्वारा। देह के द्वारा आप भगवान को भूल सकते हो, देह के द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो। तो भगवद गीता के विषय में कहा गया है शरीर के द्वारा क्या करो? शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करो, शरीर के द्वारा शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा करो। जैसे हम कह चुके हैं ब्राह्मणों का समाज में ऊंचा स्थान है, उनकी तुलना की जाती है शेर के साथ। जिस प्रकार आप किसी शरीर को देखते नहीं हो शेर बिना, ब्राह्मणों बिना समाज अधूरा है। ब्राह्मणों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपा जी की इच्छा थी कि इस संस्था में भी भक्त ब्राह्मण बने जिसके द्वारा धर्म का शुद्ध प्रचार हो सके। पर हमें असली ब्राह्मण बनने चाहिए, नाम के ब्राह्मण नहीं। तो जीव देह द्वारा क्या करो? भगवान की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, देह के द्वारा गुरु की सेवा करो, गुरु और वैष्णव की सेवा करो। आप चैतन्य चरितमृता में पढ़ते हो दो उदाहरण, एक है एक भक्त रामचंद्रपुरी का, दूसरा है एक भक्त ईश्वरपुरी का। दोनों गुरु भाई थे और माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। रामचंद्रपुरी में आदत थी भक्तों की कमियों को देखने में, जैसे जब सन्यासी आते थे जगन्नाथपुरी उनके सामने वो पहुंच जाते थे बड़ा भंडारा प्रसाद की थाली लेकर। जब सन्यासी कहते थे इतना हम नहीं खा सकते भाई हम सन्यासी हैं, तो कहते थे तो महाप्रसाद है जगन्नाथ जी का, नहीं खाओगे तो अपराध है। जब वो खाते थे तो फिर उनकी हंसी उड़ाते थे, देखो सन्यास ले लिया खाते हैं गृहस्थों से भी ज़्यादा। तो उनमें ये आदत थी भक्तों में भक्तों की कमियों को निकालने में, और यही भाव अपने गुरु के प्रति भी रखा। गुरु जब बड़ी विनम्रता से
अंतिम दिनों में कह रहे थे कि मैंने भागवत प्रेम प्राप्त नहीं किया। चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके मन में सदा ये भाव रहता है कि मेरे हृदय में एक बूंद भगवत प्रेम नहीं। वो जो ढोंगी भक्त हैं वो ये दावा करते हैं कि हम भगवत प्रेम, ऐसा दिखावा करते हैं कि हम भगवत प्रेम से भरे हुए हैं। तो माधवेंद्र पूरी बड़े ऊंचे कोटि के भक्त है, कभी खाते भी नहीं थे, अगर किसी ने कोई मांगते नहीं थे, किसी ने दे दिया खाने को तो खाते थे, नहीं तो नहीं। तो वो बड़ी विनम्रता से ये भाव प्रकट कर रहे थे कि मैंने भगवत प्रेम प्राप्त नहीं किया। और रामचंद्र पूरी गुरु को, गुरु के भाव को ना समझे, मैं ना समझ पाए और उल्टा उपदेश दे दिया, आप ब्रह्मांड का चिंतन करो। तो गुरु इतने दुखी थे, गुरु ने कहा मेरी नजरों से दूर हो जाओ क्योंकि तुम्हें देखते हुए अगर शरीर त्यागूंगा तो जीवन भी अस्त माना जाएगा। इसकी तुलना में ईश्वर पुरी का की चर्चा की कथा पढ़ते हो, क्योंकि ऊंचे कोटि के भक्त थे, बड़ी विनम्रता से गुरु की सेवा करते थे, इतना तक कि उनके माल पेशाब भी साफ करते थे। तो गुरु इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम सारे विश्व में कृष्णा प्रचार करोगे, जो कि उन्होंने किया किसके माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु ठाकुर भक्ति और भक्ति सिद्धांत जी ईश्वर प्रभुपाद के माध्यम से। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं शरीर द्वारा एक तपस्या है भगवान की सेवा करो, शरीर द्वारा दूसरी तपस्या है ब्राह्मणों की सेवा करो। ब्राह्मणों की सेवा नहीं, हमारे मन में भाव होना चाहिए सब वैष्णव वैष्णव की सेवा करना। भौतिक समाज में हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, पर जो भक्त है वो भक्तों का दास बनना चाहता है। तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए हम सारे भक्तों की सेवा करें, सारे भक्तों का दास बने। और फिर मन द्वारा श्री द्वारा क्या, गुरु की सेवा करो। जीव द्वारा स्वच्छता का पालन करो, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। प्रभुपाद जी इस विषय पर बड़ा ध्यान देते थे, जब प्रभुपाद जी मंदिर में आते थे पहले देखते थे कुछ गंद तो नहीं है, तो अंग्रेजी में भी कहते हैं क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। फिर शरीर के द्वारा हिंसा से बचो, हिंसा नॉन वायलेंस। आप भागवत में पढ़ते हो जद भारत की कथा, जद भारत ब्राह्मण थे, जब महाराज ढोगना की पलकी को उठा रहे थे इतने सावधानी से चलते थे कि अपने पैरों को जमीन में रखने से पहले देखते थे क्या कोई चीटी तो नहीं है। तो जो वैष्णव भक्त है उसका यह भाव है कि हमने एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना। आज अनेक धार्मिक व्यक्ति हैं पर धर्म के नाम पर पशुओं पर अत्याचार किया जाता है। आजकल सारे विश्व में उदाहरण के लिए बुद्धिस्ट भक्तों की काफ़ी संख्या है। बुद्धा जी ने क्या अहिंसा का शिक्षा दी, पर आजकल के बुद्धिस्ट सब कुछ खाते हैं। तो जीव द्वारा ब्राह्मणों की सेवा करो और देह द्वारा अहिंसा का पालन करो। तो इस प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि अपने मन वाणी देह और अपने कर्मों के परिणाम से हम सब में कुछ न कुछ योग्यता है। प्रभुपाद जी गीता में कहते हैं इस अध्याय में यत करोषि यदृष्णासि यदृष्णासि ददासि यत तपस्वी कौन दे तत् कृष्णा। जो भी तुम कार्य करते हो, जो भी नतीजा है, जो भी दान देते हो, जो भी खाते हो, क्या करो पहले मुझे अर्पण करो। ये है जीवन की सफलता। कई बार आप जब प्रचार करते हो लोग कह देंगे हाँ हम अपना कर्तव्य करें, कर्मणि एव अधिकारस्ते, पर आगे भगवान क्या कहते हैं, मा फलेषु फल मुझे अर्पण करो, पर उस विषय की चर्चा कोई नहीं करता। तो यहाँ पृथ्वी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि आपके जो कर्मों का परिणाम है उससे
क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओगे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, और अपनी इंद्रियों की सेवा में लगाओगे तो क्या परिणाम होगा, जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहोगे। आगे प्रीतु महाराज क्या कह रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार, तो हर व्यक्ति में अलग अलग योग्यता है, अलग अलग गुण है, किसमें ज़्यादा योग्यता है जिसमें कम। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर उठा सके पहाड़ों को, और गिलहरी छोटा सा कार्य करी थी। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार मैं सदा भगवान की सेवा करनी चाहिए, और बिना किसी विषय के हिचके हुए। दूसरे शब्दों में पूरे उत्साह के साथ हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, और अगर हम पूरी उत्साह के साथ जुड़े फिर भक्ति का पालन ज़्यादा सरल हो जाता है। चौथे स्कंध में आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो, ध्रुव महाराज ने नारद मुनि की शिक्षा के अनुसार तपस्या का पालन किया, जिसके पश्चात उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने उनसे पूछा, ध्रुवा मांगो मेरे से क्या वर चाहिए तुम्हें, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ध्रुवा ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उन्नत भक्तों की संगत में रहूं, क्योंकि उन्नत भक्तों की संगत में रहूंगा तो मेरे मन में सदा भक्ति का भाव रहेगा। तो ये भाव होना चाहिए हम सब में, इसीलिए चैतन्य चतुर्विध में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र काया, लाभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धि काया। अगर हम भक्तों की संग में रहेंगे तो ये इस श्लोक के संदेश का पालन ज़्यादा सरल हो जाएगा, और अगर हम भक्तों की संगत से जुदा रहेंगे तो कठिन रहेगा। तो भक्तों की क्या प्रार्थना रहती है, हे भगवान, अगर जैसे ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उन्नत भक्तों की संगत में रहूं। ये होनी चाहिए हमारी प्रार्थना। खोला बच्चा श्रीधर छोटे से व्यापारी थे, बहुत छोटे से कोल के प्याले बनाते थे, पर सदा भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु का खास स्नेह था उनके प्रति, और दिन रात भगवान के नामों का उच्चारण करते थे। रात को इतनी जोर से करते थे कि पड़ोसी सो भी नहीं पाते थे। पड़ोसी कहते थे, लगता है भूत सतारा इस भूखे व्यक्ति को, खुद भी नहीं सोता, हमें भी नहीं सोता। और महाप्रभु लगभग रोज उनकी दुकान में जाते थे, अपने स्कूल जाने के रास्ते में। तो एक दिन महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्तों को बुलाकर सबसे वर पूछा, क्या वर है। खुला वजह श्रीधर, जिसके पास एक ही कमरा था रहने के लिए छत में ना, उनसे भी पूछा, क्या वर चाहिए खुला वजह श्रीधर, ऐश जो चाहिए मैं दे सकता हूँ। तो खुला वजह श्रीधर ने क्या कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि हर जन्म में आप मेरी दुकान में आओ, मैं सदा आपके साथ रहूँ। और खुला वजह श्रीधर का क्या धंधा था, केले के पत्तों का प्याला बनाना, और छोटी सी आमदन का 50% वो खर्चते थे गंगा नदी की सेवा। प्रहलाद महाराज को भगवान की सेवा के दौरान अनेक कष्टों को अनुभव करना पड़ा। प्रहलाद के पिता ने क्या नहीं किया, पहाड़ की चोटियों से फेंका, झेलू सांपों ने फेंका घेर लिया, और हाथी चले उन पर, जब भी प्रहलाद की सुरक्षा हुई, और अंत में भगवान प्रकट हुए नरसिंहदेव जी के रूप में, ब्रह्मा जी के सब वरों का पालन करते हुए, और किसका वध किया,
इसके पश्चात भगवान ने पूछा प्रहलाद से, प्रहलाद मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा था, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए, जो वर चाहिए मैं देने को तैयार हूं। प्रहलाद ने कहा, मुझे लालच मत दो, मैं तो असुर खानदान में जन्म लिया था, पर अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा ना हो। क्या 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 वर? किसी प्रकार की मेरी सारी भौतिक इच्छाएं तुरंत ही नष्ट हो जाए। तो आप में से कितने भक्तों की ये इच्छा है? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे ऐसी कृपा दीजिए कि मेरे हृदय से भौतिक इच्छाएं तुरंत ही समाप्त हो जाएं और सदा मैं आपका सेवक रहूं और आप मेरे स्वामी रहो, सदा यही रिश्ता रहे हमारा, ये नहीं कि हमने भगवान बन जाना है। तो ये है वैष्णव भक्त की इच्छा। अगर भगवान से वर चाहिए तो ये वर मत मांगो, हाँ हमें ये भौतिक सुख चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये मकान चाहिए, ये तो मिल जाएगा कर्मों के अनुसार, पर भक्तों की क्या इच्छा रहती है कि हम भक्ति में आगे बढ़ें। तो प्रहलाद ने कहा कि अगर आप मुझे वर देना चाहते हो, ऐसा वर दीजिए कि मेरी सारी भौतिक इच्छाएं क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। ये नहीं कि प्रहलाद की भौतिक इच्छाएं थी, प्रहलाद शुरू से आत्मज्ञानी थे, तो ये उनका उनकी विनम्रता है। और आगे कहा कि मैं सदा आपका सेवक रहूंगा और आप सदा मेरे स्वामी रहोगे, और जो व्यक्ति सेवा करता है पर उसके बदले में अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं की पूर्णता रखता है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं वो क्या है, वो व्यापारी है। व्यापार जैसे आप धंधा करते हो ना, और जो गुरु अगर शिष्य बनाता है और सोचता है हाँ ये अभी धनी शिष्य मिल गया है, तो ये मुझे बड़ी मोटर खरीद के देगा, ये देगा, वो देगा, ये सुविधा देगा, तो वो व्यक्ति भी असली गुरु नहीं है। असली सेवक वो है जो निष्काम भाव से सेवा में जुड़ता है। वैसे तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं चार परिस्थिति में लोग मेरी शरण में आते हैं ना, कौन है चार? चार तो विधाम, सारे के चार पुण्यात्मा हैं, पर इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो निष्काम भाव से जुड़ता है। यानी तो प्रीतु मना जो हमें उपदेश दे रहे हैं इसका पालन हो सकता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इस कलयुग में इसका पालन नहीं हो सकता, इसका पालन हो सकता है। प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर संस्था बनाई है जिसमें आपको भक्तों की संगत का मौका मिलता है। साधु संघ में रहो और भक्ति की विधियों का पालन करो। साधु संघ में रहोगे तो सदा सुनते रहोगे भक्ति की महिमा, और भक्तों की संगत में उतना ही रहो जितना कि आवश्यक है, और उसके अलावा क्या करो, साधु संघ में रहो, ध्यान से हरि नाम का जाप करो, ध्यान से शास्त्रों को पढ़ो। प्रभुपाद जी ने हमें इतने ग्रंथ दिए, पढ़ो और बांटो, ये नहीं कि केवल बांटो और पढ़ो, नहीं दोनों हैं। हम बांटते हैं ग्रंथों को दूसरों के उद्धार के लिए, हम पढ़ते हैं ग्रंथों को हमारे उद्धार के लिए। पढ़ोगे तो बुद्धि तेज होगी, तेज बुद्धि के साथ माया का छिन्न भिन्न करना ज़्यादा सरल है, और न पढ़ोगे तो ज्ञान कम रहेगा। अगर पढ़ने की योग्यता नहीं है तो अलग बात है, पर अगर पढ़ने की योग्यता है तो हमें क्या करना चाहिए, बकायदा ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो संक्षेप में प्रीतु महाराज अपनी प्रजा द्वारा हम सबको संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? क्या कि मन वाणी देह के द्वारा हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और हमें दूसरे शब्दों में तन मन धन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करेंगे
तो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य के समाप्ति में क्या कह रहे हैं, बिना शंका के कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम, जहाँ की किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कष्ट है, सारा कष्ट जो है ये बहुत कुंत जगत में है, कुंत जगत में कुछ कोई कष्ट नहीं। तो आप सबसे विनती है कि आप प्रीतम महाराज के उपदेश का स्वीकार कीजिएगा, इसका पालन कीजिएगा। और भगवान जैसे गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति प्रयास करता है मुझे सेवा करने के लिए, उसमें कुछ कमी भी हो तो उसे मैं क्या करता हूँ, दूर दूर कर देता हूँ। तो आप सब दर्द होकर प्रयास कीजिएगा। प्रभुपाद जी ने ये सुंदर इस्कॉन संस्था बनाई है, जिसके केंद्र हैं हर कोने में, वहाँ आपको भक्तों की संगत का लाभ भी मिलता है, सुंदर विग्रह का दर्शन भी मिलता है। प्रभुपाद जी इतने सुंदर ग्रंथ छोड़ गए हैं, जिनको हम ना ही बांटते पर पढ़ते भी हैं। और अगर हम इन सुविधाओं का लाभ उठाएं, तो बिना शंका के भक्ति के मार्ग में मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग कर सकेंगे। और भगवान कह रहे हैं क्या, अब जो अपने कार्य के परिणाम हैं उससे मेरी सेवा करो। और बड़े स्पष्ट रूप से प्रीतम महाराज कह रहे हैं, अपनी योग्यता के अनुसार। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम वयम, अपनी योग्यता के अनुसार, किसी में ज़्यादा योग्यता है, किसी में कम, इसमें थोड़ी कला है, किसमें ज़्यादा। तो भगवान अपनी योग्यता के अनुसार सेवा ग्रहण करते हैं। और हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों के संग में रहें, जहाँ की हमें प्रेरणा मिले सेवा करने का, और हम सबके दास रहें, स्वामी नहीं दास। और दास रहेंगे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सबक मैराथन में भी जुड़े हुए हो। मैंने जैसे कहा था, हमारे जनरल मैनेजर साधु हृदय ने बड़ी सुंदर रिपोर्ट बनाई है, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ भक्तों के लिए। मैंने वो रिपोर्ट भगवान को ऑफर कर दिया था कुछ दिन पहले। एक भक्तों ने कहा कि इतवार वाले दिन पढ़ना, सुनना चाहते हो। ये रिपोर्ट है केवल आपके राधा पार्वती साथी मंदिर के कार्यों की। दिल्ली में अनेक मंदिर हैं, पंजाबी बाग, नोएडा, उन मंदिरों की रिपोर्ट नहीं है। सब लगभग संत नगर मंदिर से सब जुड़े हैं। दिल्ली में सबसे पहला मंदिर था राधा पार्वती साथी का, और ये राधा पार्वती साथी की स्थापना प्रभुपाद जी ने की थी। One of us here, should I read out? Hare Krishna. Sunna chahte ho? To har saal hamare Delhi mandir ke management team mein report banati hai. Pichle saal bhi thi, kai pichle kitne saalon se report ban rahi hai? 5 saalon se. Sabse pehle DD department. ठाकुर जी की सेवा अच्छी तरह करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, और ठाकुर जी की सेवा ठीक नहीं करेंगे तो कुछ ठीक नहीं रहेगा। तो डीडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या है, 13 नए ड्रेस मिले भगवान को। तो कह सकते हो लगभग एक नया ड्रेस हर महीना। 13 अभिषेक हुए पूरे साल में, जन्माष्टमी, रथाष्टमी और पुष्पांजलि। ये बड़े बड़े उत्सव हुए, जिनमें एक है बोट फेस्टिवल। आप लोग आए थे बोट फेस्टिवल में? चंदन यात्रा, झूलन यात्रा, शोभा यात्रा, कुल मिलाकर पूरे साल में 44 फेस्टिवल हुए। भौतिक समाज में उत्सव होते हैं कि नहीं, तो आध्यात्मिक समाज में उससे भी ज़्यादा उत्सव होते हैं। पापा जी कहते थे एवरी डे इज अ फेस्टिवल इन डिवोशनल सर्विस। और नरसिंह देव भगवान और
राधा कृष्ण झूले नहीं आता कि मूर्तियां बनी, आपने देखा है बगीचे में नीचे राधा कृष्ण। कॉर्पोरेट प्रीचिंग, ये वो प्रोग्राम है जिसमें भक्त जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रचार करने के लिए। तो ये डिपार्टमेंट के हेड हैं ऋषि कुमार। हाँ आई उधर ऋषि कुमार कई डिपार्टमेंट्स के हेड हैं। तो ये कॉर्पोरेट प्रीचिंग टीम कॉर्पोरेशन में जाकर प्रचार करती है। फेस्टिवल्स, आप सब जानते हो कि प्रभुपाद जी दिल्ली में रहते थे छिबीवाड़ा मंदिर में। कहाँ ये छिबीवाड़ा मंदिर? तो प्रभुपाद जी इस स्थान में, इस मंदिर में रहते थे। ये प्रभुपाद जी का दफ्तर था दिल्ली में, वहाँ अपने ग्रंथों को भी रखते थे और ये था उनका पता। आप ऐसे कितने भक्तों ने छिबीवाड़ा मंदिर का दर्शन किया है? आपको खुशी होगी जानकर कि ये मंदिर लगभग एक साल पहले राघव पंडित नीलकंठ कई भक्तों के प्रयास है उन्होंने मंदिर ले लिया है। इस वक्त वहाँ मंदिर है, रेगुलर प्रोग्राम चल रहा है, चांदनी चौक एरिया में ग्रंथों का वितरण चल रहा है। हमारे जो भी विदेशी भक्त आते हैं इस मंदिर के दर्शन के बाद सीधा वहाँ जाते हैं दर्शन के लिए। हमारे इंद्रदुंद महाराज आए थे, वो छिबीवाड़ा मंदिर गए, उन्होंने 3000 फोटोज खींची। और पंजाबी बाग के पास दो मंदिर बन रहे हैं, एक रोहिणी में एक बहादुरगढ़ में। तो रोहिणी का मंदिर काफ़ी तेजी से जा रहा है और 1.5-2 साल में समाप्त हो जाएगा। आपने, आप में से कितने भक्तों ने रोहिणी का मंदिर जो बन रहा है देखा है? इस वक्त जैसे आप जानते हो आपके दिल्ली शहर में अनेक मंदिर हैं। एक है राधा प्रतसादी का मंदिर, एक है नोएडा का बड़ा खूबसूरत मंदिर, एक है गाज़ियाबाद, जहाँ मुझे अभी जल्दी से जाना है, गाज़ियाबाद का मंदिर। गाज़ियाबाद में दो स्थान, और एक साहिबाबाद, एक पंजाबी बाग, रोहिणी, बहादुरगढ़, पंशीओ, गुड़गांव। गुड़गांव में भी मंदिर बनने जा रहे हैं, छतरपुर। तो अनेक स्थान, छिबीवाड़ा, द्वारका, फरीदाबाद, सॉरी फरीदाबाद के तो कई भक्त आए हुए हैं। फरीदाबाद में बड़ा सुंदर मंदिर है। और पांचवा बोट फेस्टिवल हुआ था यहाँ, आप लोग आए थे बोट फेस्टिवल में? कितने भक्त आए थे बोट फेस्टिवल में? नौका विहार भगवान को ले जाते हैं, यहाँ इतनी जगह नहीं है तो जब ये करते हैं। जन्माष्टमी उत्सव बड़े धूमधाम से हुआ था। ब्रजेंद्र प्रभु ने 20 से ज़्यादा टीवी चैनल्स को बुलाया था और सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में आपकी जन्माष्टमी का कवरेज हुआ था। नया रथ बना है जिससे जो रथ यात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। हरि नाम संकीर्तन, आप सुनना चाहते हो ना एयरपोर्ट? हरि नाम पार्टी जिसके हैं मधुमंगल, मधुमंगल है इधर। तो हरि नाम पार्टी मधुमंगल प्रभु के निर्देशन में रोज आती है दिल्ली के अलग अलग स्थानों में। दिल्ली में ही नहीं, हर पूरे हरियाणा पंजाब में इनके पास बड़ा अच्छा ट्रक है, साउंड सिस्टम, जो पीयूष गोयल ने दिया था, गोयल जी ने स्पॉन्सर किया था। तो हरि नाम पार्टी रोज आती है, रोज। तो आप अगर हरि नाम में जाना चाहो तो इनके साथ जा सकते हो। और महीने से हरि नाम राहगिरी प्रोग्राम, हाँ कनॉट प्लेस में एक स्पेशल प्रोग्राम होता है टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर, वहाँ भी पिछले 3 महीने से, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, कहीं सबको जाने नहीं देते, पर हरि नाम पार्टी हर संडे कनॉट प्लेस में जाती है। यूथ फोरम, उसके हेड हैं हमारे सुंदर गोपाल जी, खड़े हो गए। ये
सब जानते हो सुंदर गोपाल प्रभु को? अच्छा, ये यूथ प्रोग्राम इनके अंडर चलता है। तो पिछले साल प्रभुपाद की कृपा से सब भक्तों के प्रयास से 45 नए ब्रह्मचारी बने। ये रिकॉर्ड है ना? ये ब्रह्मचारी जाने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में और आगे प्रचार को बढ़ाते हैं। भगवान के आंदोलन को बढ़ाने के लिए सेना की भी आवश्यकता है ना? तो 45 पढ़े लिखे भक्तों ने निर्णय किया, हमने जीवन समर्पण करना है भगवान की सेवा में। और ये जो यूथ फॉर्म है, इस सब इस समय तीस से अधिक कॉलेजेस में प्रचार हो रहा है। ये 30 से अधिक कॉलेज हैं जहाँ की मन रेगुलरली प्रोग्राम्स हो रहे हैं। समय दिल्ली मंदिर के निर्देशन में 84 बेसेस हैं। बेस मतलब कि जहाँ के भक्त रहते हैं इकट्ठा, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। 5 बेस है और 34 सेंटर्स बड़े सर। टोटल मिलाकर 84 बेसेस हैं जिनकी देखभाल सुंदर गोपाल प्रभु 60 बेसेस की देखभाल करते हैं। अजनवा कृष्णा इज हियर। अजनवा कृष्णा प्रभु और जय नारायण इज हियर ना? वेयर वेयर ओवर देयर। अजनवा कृष्णा और जय नारायण के निर्देशन में 12 बेस हैं। सर्वप्रिया हियर है ना? सर्वप्रिया प्रभु के निर्देशन में 12 बेस हैं। तो भक्त जो बेस में रहते हैं उनकी, आप में से कई भक्त सर बेस में रहते हो तो उनकी रुचि है भक्ति में, साधु संघ के द्वारा निर्णय करते हैं कि सबसे उत्तम सेवा है भगवान की सेवा। तो और 40 यूथ के टूर ऑर्गेनाइज हुए थे पिछले साल। समय आपका यूथ फोरम 108 क्लासेस हर हफ्ते करता है। मतलब कि कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में मिलाकर 108 लेक्चर हर हफ्ते अलग अलग कॉलेजेस में होते हैं। और उनका प्रयास है इसको बढ़ाने का। लगभग 2,500 विद्यार्थी लगभग 16 माला कर रहे हैं। 2,500 भक्त हैं यूथ के कॉलेज स्टूडेंट्स जो इनके प्रोग्राम्स में आते हैं रेगुलरली। ये यूथ ग्रुप हमारा उमंग उत्सव करते हैं बकायदा, जिसमें 500 से 1,000 यूथ इकट्ठा होते हैं। और 17 उमंग फेस्टिवल हुए थे, 4 फेस्टिवल, कुल मिलाकर 21 बड़े उत्सव हुए थे जिसमें 11,000 यूथ ने पार्टिसिपेट किया। IYF is now teaching in more than 27 colleges. 15,000 students participated in the 8th Gita contest. Gita contest, 15,000. Ajay, huh? Atma Tripta is here? No. Is Ajay Govinda here? All is approved. Gita contest. Okay. Nayak Namaha Center khula hai. Sangam Vihar with
फिर महामिलन और एक अनन्य उत्सव उत्सव हुआ था, कई डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स हुए थे, समर कैंप बच्चों के लिए किया था, एक मंथली न्यूज लेटर जाती है ये महीने मंदिर से पिछले एक साल से हर मेंबर्स के पास जाती है, एक नया बैंड बना है पार्थ सारथी में, एक तो राधा राजकारी बहन है, अभी दो बैंड हो गए कॉम्पिटिशन, और आपका राधा पार्थ सारथी का मंदिर पिछले कई सालों से नंबर एक पर था वर्ल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, ये साल शायद नंबर दो पर आ जाए पर कहा दूसरों पर कई सालों से बात साथी मंदिर बोल नंबर वन नाइन, पिछले नौ सालों से राधा पादा साथी मंदिर टॉप पर था। मैराथन चल रहा है आप जानते हो ना, मैराथन समाप्त तो नहीं हो गया, इसलिए क्लास जल्दी समाप्त करनी चाहिए, क्या मैं क्या मैराथन में जा सको। दो नए वेबसाइट इस्कॉन दिल्ली मंदिर के खुले हैं, 28 न्यू आश्रय प्रोग्राम्स हैव बीन एक्टिव, अभी कुल मिलाकर 30 आश्रय प्रोग्राम चल रहे हैं केवल इस मंदिर के माध्यम से। पंजाबी बाग की रिपोर्ट अलग है, द्वारका की रिपोर्ट अलग है, द्वारका कई क्षेत्र में तो बड़े मंदिर से भी आगे बढ़ गया। 500 व्यक्ति जुड़े थे लाइफ मेंबर के रूप में, और एक चार महामिलन किए थे जिसमें लाइफ पुराने लाइफ मेंबर्स को हमने निमंत्रण दिया था प्रोग्राम के लिए। और कई प्रसिद्ध व्यक्ति आए थे। तीन दिन पहले आपने तुलसी गौबर्ट का नाम सुना है, वो अमेरिकन कांग्रेस वुमेन है, पूरे अमेरिकन सरकार में एक ही हिंदू है, वो है अमेरिकन, पैदा हुई थी अमेरिकन खानदान में, उसको बचपन से नाम तुलसी है क्योंकि उसके माँ बाप पहले इस्कॉन के प्रभाव में आए थे हवाई में, तो वो अभी कांग्रेस वुमेन है, जैसे भारत में है ना लोकसभा राज्यसभा, अमेरिका में कांग्रेस एंड सेनेट, तो शी इज अ कांग्रेस वुमेन, शी वन फॉर द सेकेंड टाइम, तो वो मंदिर आई थी तीन दिन पहले, दो घंटे थे अभी एकादशी का पालन करती है और सब नियमों का पालन करती है, तो वो भी आई थी यहाँ, गीता के ऊपर लेक्चर देती है हर जगह, वहाँ वो आई थी मंदिर, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको इनवाइट किया था एक महीने के लिए इंडिया, तो वृंदावन मंदिर में भी गई थी और दिल्ली मंदिर में भी थी दो घंटे, और पिछले साल कुछ महीने पहले मॉरिशस का राष्ट्रपति भी आया था और हंगरी का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया था, तो कई प्रसिद्ध व्यक्ति आते रहते हैं। मिड डे मील एक अलग संस्था है इस्कॉन की, जिनके द्वारा 6 लाख बच्चों को रोज मिड डे मील खिलाया जाता है, ये मिड डे मील चलता है फरीदाबाद गुड़गांव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, अभी आपके राधा पादरी से मंदिर का की सारे एक्टिविटीज इंटरनेट में ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, आप में से कितने भक्त हो जो कि जब भगवतम क्लास में नहीं आ सकते इंटरनेट द्वारा सुनते हो, बस कि पंजाबी भाग का भी इंटरनेट में जाता है, और मैंने सुना है कि पूरे विश्व में पंजाबी भाग का इंटरनेट भागवतम क्लास हिंदी में सबसे ज़्यादा सब देखा जाता है, दे आर हेड ऑफ संत नगर। रोज 3 लाख व्यक्ति ऑनलाइन जाते हैं राधा पादा साथी का फेसबुक में दर्शन लेने के लिए, 3 लाख व्यक्ति रोज जाते हैं,
ऑनलाइन दादा पड़ता साधे का दर्शन देने में 3 लाख लोगों को ऑनलाइन जाना चाहे दान देने के लिए तक 1.8 मिलियन पीपल हैव रजिस्टर्ड फेसबुक दर्शन के लिए. रोज के भगवद गीता और भगवतम के लेक्चर यूट्यूब चैनल में अपलोड होते हैं रोज. हम कहते हैं तो मैराथन अभी तक चल रहा है, मैराथन का स्कोर हम नहीं दे सकते हैं, पर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ मोहन रूपा मधुसुंदर उनकी सेना का. मधुसुंदर प्रभु इस वक्त लखनऊ में हैं, पिछले 2 हफ्ते से लखनऊ में किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. मैं भी लखनऊ में था और मुझे कह रहे थे वो कि लखनऊ में जैसे आप जानते हो लखनऊ की 40% आबादी मुस्लिम है, 60% हिंदू है. तो वो मुझे कह रहे थे कि लखनऊ में मुसलमान लोग भी गीता खरीद रहे हैं और मुझे कह रहे थे कि उनका ये अनुभव है कि लखनऊ इज़ द बेस्ट प्लेस इन इंडिया फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन. तो मधुसुंदर इस समय यहाँ नहीं है, वो आएंगे मैराथन के बाद. पर हाँ रोज की 700 गीता बांट रहे हैं सड़कों में. तो अगर दिल्ली मंदिर का संकीर्तन में अच्छा स्कोर है तो इसके पीछे मोहन रूपा और मधुसुंदर प्रभु का बड़ा गहरा हाथ है. और ये जो ये पूरे साल की रिपोर्ट है हम पब्लिक में दे रहे हैं, कोई सीक्रेट नहीं है. चार लाख गीता लगभग बट जाएंगे इस मैराथन में आप सबके प्रयास से. आप ऐसे कितने भक्त जुड़े हुए हो संत नगर के मैराथन में? ओके. और एक नई बस खरीदी थी, अभी भगवान की कृपा से भक्तों की संख्या बढ़ गई है, तो एक और भक्त नई बस ले रहे हैं. पापा जी की इच्छा थी कि 108 बसें हों जो घर घर जाकर प्रचार करें. New book was released, Perfect Knowledge, 25 schools have adopted Value for Life. Value for Life एक बुक है जो कि maybe you can tell them something about the competition. So he is one of our devotees, Ajit Govinda, has written a book, Values of Life. So wo kitab jo hai 25 schoolon mein padhai ja rahi hai. Wo bade non sectarian tarike se Bhagavad Gita ka sandesh diya gaya hai. Ab dekh rahe ho ki sound system acha hi hai mandir mein. नया साउंड सिस्टम है जो कि कुछ महीने पहले लगा था. कितने महीने पहले? जन्माष्टमी के समय निरंजन प्रभु ने बहुत सेवा की. आपने देखा कि एक नई लिफ्ट भी बनी है, पर लिफ्ट आप जवानों के लिए नहीं है यानी कि आप लोग लिफ्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आप लोगों के लिए दिखावा के लिए है. पर जिनको सचमुच समस्या है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने देखिए लिफ्ट नीचे लिफ्ट है उनके लिए जो जिनके चढ़ने में सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ हो, वह कई भक्त बड़े खुश हैं. हमारे इस्कॉन ब्यूरो के कई मीटिंग भी यहाँ हुए थे. 3 राघव पंडित के प्रयास है. राघव पंडित इज हियर. 3 नई सड़कें बनी हैं जिसके द्वारा लोग ज़्यादा सरलता से मंदिर पहुंच सके. लैंडस्केपिंग वर्क भी काफ़ी तेजी से चल रहा है. 500 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं दर्शन के लिए.
ये एक प्रोग्राम श्याम कृपा माता जी देखभाल करती हैं, रोज 2-3 स्कूल के बच्चे आते हैं। अभी इस्कॉन दिल्ली के कई बिल्डिंग हैं पड़ोस में, सब भगवान की दया सब भर गई थी, तो एक और बिल्डिंग भी है यूथ फॉर्म के लिए, काम और रह सकें। ये है संक्षेप में रिपोर्ट आपके मंदिर के बारे में। मंदिर ठीक चल रहा है, इसमें मोहन अपर प्रभु राघव पंडित साधु हृदय, हमारे में जन्म साधु हृदय बहुत सेवा करते हैं। हमारे जो विदेशी भक्त हैं सन्यासी, सब पहले दिल्ली में रुकते हैं फिर वृंदावन या मायापुर जाते हैं, तो सबको पिकअप करना है, ये करना है, ये सब साधु हृदय की जिम्मेदारी है। और कॉन्गिगेशन प्रोग्राम चलता है शास्त्र नेता दीनायक प्रभु के निर्देशन में। हाँ, और टेंपल प्रेसिडेंट आप जानते हैं मोहन रूपा प्रभु हैं, तो सब भक्तों के प्रयास से भगवान का प्रचार बढ़ते जा रहा है और तेजी से बढ़ाना चाहिए। तो ये मैराथन चल रहा है कब तक, और भी एक्सटेंड करें? मैं तो हमेशा भक्तों से ये कहता हूँ कि माया का मैराथन तो पूरे 12 महीने चलता है ना। अगर माया का मैराथन 1 महीना चले तो हम भी 1 महीना कर सकते हैं। अगर माया का मैराथन 12 महीने है तो आपका मैराथन कितना होना चाहिए? पहला रशिया में हर 3 महीने बुक मैराथन शुरू हो जाता है। आप सब भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा, आई एम सॉरी, हाई इस नए आश्रय प्रोग्राम है, कुल मिलाकर 83 से भी ज़्यादा 83 भक्ति वृक्षा के ग्रुप्स हैं जो कि दीनायक प्रभु के निर्देशन में चलते हैं। और यात्रा गई थी कार्तिक में वृंदावन, उसमें 2000 भक्त हैं। ठीक है, सब भक्तों से निवेदन है, आप सब उत्साहित रहिए। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य, तो उत्साह के साथ हमें सेवा करनी चाहिए। सब सबको सौभाग्य है कि आप भक्ति में जुड़े हो, तो उत्साह के साथ सेवा कीजिए। भौतिकवादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्साहित होते हैं, और भक्त उत्साहित होते हैं किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। आप सब उत्साह के साथ सेवा कीजिए। और जैसे आज के श्लोक में प्रीतम राज ने कहा, बिना हिचके हुए हमें भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, तो रूपक गोस्वामी इस विषय में क्या करें? उत्साह निश्चय धैर्य, दृढ़ होकर हमें जुड़ना चाहिए किस में? भगवान की सेवा में। तो सब जुड़ोगे दृढ़ होकर? नो क्वेश्चंस, कोई प्रश्न नहीं? थैंक यू सो मच महाराज फॉर सच अ नाइस एनलाइवनिंग क्लास। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस आई वाज यू नो गोइंग थ्रू and you gave those, you know, no answer now. Maharaj, I had a question for some time, like Maharaj, I have very, you know, low level of determination, so I wanted to know how to keep on determination for a long time. Good question. You're low on determination. We're all low on determination. If we follow the process of bhakti yoga, then our determination will get stronger. Process of bhakti yoga is designed for people like us who have low determination. Kali yoga, we're all very very low level. Inka prashan ye tha ki inka utsah bhakti ke liye bada kam hai, to isko badhaya kaise jaye, am I right? So determination, this bhavna badi kam hai,
मैंने कहा कि भक्ति योग का जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत पृथ्वी महाराज ने दिया, जो आज हमने पढ़ा, वो हम जैसे भक्तों के लिए है जिनका दिल बड़ा कमजोर है। ध्यान से जाप करो, शास्त्र पढ़ो, साधु संग में रहो, सेवा करो, तो डिटर्मिनेशन खुद ही खुद बढ़ जाएगा। जब भक्ति की विधियों का पालन करोगे, माया खूबसूरत, माया बदसूरत दिखेगी, कृष्णा खूबसूरत। और जब भक्ति में कमजोर हो जाओगे विधियों के पालन में, तो क्या होता है, माया खूबसूरत बन जाती है और भक्ति का बदसूरत। तो कड़की से नियमों का पालन कीजिए, ठीक है। यस मोहन भैया, मेरे हैंड अप, सॉरी। यस Hare Krishna, thank you Maharaj for your wonderful class. One in the purport Prabhupada says about, talks about duplicity, which is also there in the verse. So what exactly means, what means Maharaj, one should be free from duplicity? Duplicity in Hindi mein kapat. Yes sir. So Pratapari mein Prabhupada ji ne kaha ki hume kapat se bachna chahe. So inka prashan ye hai, kapat ka kya matlab? Kehte hain kuch, करते हैं कुछ। आपने सुना होगा ये फ्रेज, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। तो बाहर से राम नाम करते हैं, अंदर कोई और विचार है। कपट मतलब कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, दूसरों को कहेंगे ये करो और खुद नहीं करेंगे। तो हमें कपट नहीं होने रखना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से हम दिखावा करें, हम बड़े अच्छे मित्र हैं, अंदर से लोगों की निंदा करें। निंदा करने से हमें बचना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति का बगीचा खराब हो जाता है जब आप पागल हाथी को अंदर आने दो। ऐसे जो कपट के कई उदाहरण हैं, मैंने संक्षेप में कहा है कि कहो कुछ, करो कुछ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमें कपट से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर गलती की है तो स्वीकार कर लो गलती की है, ये नहीं है गलती को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलो। और सेवा भाव रखो सबके प्रति, केवल गुरु के प्रति नहीं, गुरु साधु सबको, सबके प्रति सेवा भाव रखो, सब संतों को आदर दो। एनी मोर क्वेश्चंस? Hare Krishna Maharaj, thank you for giving opportunity for asking questions. Maharaj, Srila Prabhupada in Bhagavad Gita he writes that one can attain Krishna consciousness within a second or divine life within a second. I am trying to practice Krishna consciousness and trying to follow whatever is the process, whatever is, you know, we hear. But still, you know, I'm struggling so much. You told about vani tapasya. Bina soche kuch hi bol deta hu, krodh bhi aata hai, kam hi nahi hota. I understand your question. Krishna says, everyone is struggling with the mind and the... Doesn't he say that in the Gita? So we're all struggling with the mind and the senses. But if we follow the process of Vaidhi Bhakti, that will help us to control the mind and senses. The good news is we have all the ammunition you need for fighting Maya. Kuch khabri sunna chahte ho? Aapke paas sare hathiyar hain Maya ko harane ke. Keval hamari samasya hai, hum in hathiyaron ka upyog nahi karte. Sabse bada hathiyar hai Hari Naam. फिर है प्रभुपाद जी के सुंदर ग्रंथ, फिर है भगवान के सुंदर विग्रह, फिर है अनेक संतों की संगत, हर प्रकार का हथियार है। केवल हमें इन हथियारों का उपयोग करना है माया का वध करने के लिए। ऐसे भगवान कहते हैं, मन बुद्धि इंद्रियां ये स्थान है जहाँ की शत्रु निवास करता है। भगवान क्या कहते हैं गीता में, बुद्धि से इसे छिन्न करो। और किसका प्रश्न था? यस क्विकली क्विकली आप सुनो। हरे
हरे कृष्ण महाराज जी, जैसे आपने बताया था और हमने सुना है कि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति है वो मत्स्य हुई है और राजपूत क्षत्रियों की भुजाओं से, फिर वैश्यों की जंगा से और शूद्र की चरणों से, भगवान के चरणों से। और वास्तव में हम सबकी उपलब्धि भी ये होती है भक्ति के बाद कि हम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो शूद्र की उत्पत्ति चरणों से और मतलब भक्ति का भी उद्देश्य है भगवान के चरण की तुलना की गई है पैरों के साथ। और जिस प्रकार पैर का फर्ज है पूरे शरीर का सहयोग देना, शूद्र का फर्ज है कि वो जो तीन वर्ण है उनकी सेवा करें। तो ये मतलब नहीं भगवान के चरण कमलों के शरण। शरीर में अनेक अंग हैं, हेड, आर्म्स, बेली, लेग्स, उसी प्रकार शूद्रों की तुलना की गई है सिर के साथ, क्योंकि पूरे शरीर में सिर सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस कलयुग में कल शूद्र संभव, हम सभी लगभग शूद्र भाव के हैं, पर भक्ति के पालन से हम ब्राह्मण बन सकते हैं। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभु स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो? स्वामी जी ने कहा नहीं, कोई जादू नहीं कर सकता, एक जादू किया है मैंने। तो इसमें बड़ी दिलचस्पी थी, क्या जादू? मैंने हजारों मनुष्यों को ब्राह्मण बना दिया। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब इस्कॉन में जुड़ने से पहले मनुष्यों का जीवन बिता रहे थे, पर अब प्रभुपाद जी की भगवान के सिद्धांत के पालन से शुद्ध ब्राह्मण बन सकते हैं। थैंक यू महाराज जी, हरे कृष्ण। यस यस, माइक माइक, वी हैव अ यंग बॉय फ्रॉम एडिलेड ऑस्ट्रेलिया, एंड हिज पेरेंट्स आर डिवोटीज, ही स्टडीइंग, ही इज अ टॉपर इन हिज स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया, बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव फॉर 1-3 weeks in the Brahmacharya Ashram. But he's a high school student in Adelaide, Australia. Yes. Guru Maharaj. I asked him if he's not finding it too austere. He says, no, I like enjoying it. Okay. Book distribution regarded as the highest service for Krishna. Book distribution is regarded as the highest service because these books, we do book distribution to save the conditioned souls from going to hell. People are headed for hell, but when you give them a book, they read the book and it changes their life. Therefore, in the Bhagavatam 6th canto, it is said, when the Lord sees a conditioned soul taking to Krishna consciousness, this is victory for the Lord. Why? Because a lost child is being brought. Then the question ye tha ki granda ka vitan sabse uchi seva mani jati hai. So maine kaha sabse uchi seva mani jati hai jisme aap sab jude ho, kyunki granda ke vitan se bad jeev sukhi bante hain. Bhagavatam ke chhate skand mein chetak ketu maharaj ki katha mein kaha gaya hai ki jab bhagwan dekhte hain ki koi vyakti bhakti mein jud raha hai, wo bhagwan ki vijay hai. भगवान की विजय है। तो आप जब गीता बांटते हो ये भगवान की विजय है। क्यों? क्योंकि जब लोग भक्ति को भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आखिर भगवान की क्या इच्छा है कि सब माया से निकलें। तो आप सब जो ग्रंथों का वितरण कर रहे हो, भगवान का सहयोग दे रहे हो लोगों को माया के पंजे से निकालने के लिए। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, आभारी हैं उन भक्तों के जो प्रचार करते हैं। इसे भगवान ने कहा सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, उसे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। आप प्रिय बनना चाहते हो? एनी मोर क्वेश्चंस? क्वेश्चन इज रिलेटेड समथिंग दैट वाज ऑलरेडी आस्क्ड, व्हिच इज दैट समबडी आस्क्ड हाउ टू इंक्रीज आवर डिटरमिनेशन एंड ही सेड बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति. The whole problem of determination comes in following the principles of bhakti. So how does one develop that determination? By following. As they say, practice makes a man perfect. Suna aapne? Practice makes a man perfect. Unless you practice,
You cannot become perfect. You have to practice. आप सब भक्ति में कैसे जुड़े हो? पहले एक माला किया, दो माला किया. मैंने कहा था आप ऐसे कितने भक्त हो जिन्होंने पहले दिन से ही 16 माला की? एक है तो बाकी तो जुड़े दो, बाकी ने एक माला, दो माला, तीन माला. तो साधु संघ में रहने का ये लाभ है कि आपको प्रेरणा मिलती है जाप करने के लिए. तो ध्रुव महाराज की क्या थी प्रार्थना, किसको याद है? भगवान ने, ध्रुव महाराज ने कहा अगर आप वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मैं सदा उन्नत भक्तों की संगत में रहूं. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन. हरे कृष्ण महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे मन में जो संशय आता है तो संशय को कैसे विनाश कर सकते हैं हम? ऊपर शंका. अर्जुन आल्सो हैड डाउट्स. भगवत गीता अर्जुन हैड सो मेनी डाउट्स. परीक्षित महाराज आल्सो हैड डाउट्स, बट द डाउट शुड बी क्लारिफाइड बाय गोइंग टू द राइट सोर्स. नाउ क्लारिफाइड हिज डाउट्स बाय गोइंग टू हूम? Right source. Parikshit Maharaj clarified his doubts by going to whom? To Goswami. So we have to have doubts is nothing uncommon. It's very common. But we should go to the right source for clarification. जैसे आपने कुछ operation कराना हो, ये थोड़ी आप रास्ते में किसी को पकड़ते हो बोलते ये लो चाकू operation कर लो. आप देखते हो doctor ठीक है, तालीम वाला है, फिर जाते हो, है क्या? So doubts अगर को रिमूव करना है तो ठीक व्यक्ति के पास जाओ. कई बार क्या होता है हम खुद डाउट्स में होते हैं, हम उनके पास जाते हैं जो खुद डाउट्स में है. कमजोर व्यक्ति कमजोर के पास जाता है तो फिर दोनों कमजोर हो जाते हैं. तो हमें डाउट्स को रिमूव करने के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ओके, वी बेटर स्टॉप नाउ. हरे कृष्णा. हमको दुनिया की अकी तो सब मैराथन अभी समाप्त नहीं हुआ, 10 तारीख ऑफिशियली होगा. तो आप सब मैराथन में जुड़े रही. हरे कृष्ण. जाएंगे. अच्छा, बस जी.